ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। इस कथा में हम श्रवण करेंगे विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज प्रथु को राजपद पर अभिषिक्त किया तो लोकपिता में श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र ग्रह ब्राह्मण संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्यों का और दानवों का अधिपति दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुण को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज सिंहों को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी माले को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा डाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र वाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधान की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विवाह करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिग्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिग्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक सात द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिसत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांसभोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्व आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं तथा तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर चार प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमो गुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतक आदि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सर्वकालीन विवाह कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्रीहरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि के कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप
भगवान विष्णु की भूतियाँ हैं तथा रुद्र काल अंत आदि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा मारिच आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीच आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकरण रौद्र रूप ही है। इस प्रकार भी जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता पालन करता और संगारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय व्यापक स्वसंवेद स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है और जिस अपनी अविमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन ही और पर ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधनावलंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का स्वाध्याय रूप जो ब्रह्म है, हे महामुनि, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा वेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अवेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा वेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निरूपण निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अवर्चनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्षण शांत अवय शुद्ध भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा वेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इन चौथे वेद में ही लीन हो जाते हैं वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें ना कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त है गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का अक्षय और कलेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पर ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के वेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का वेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्म की शक्तियों में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं, उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। अतः मुनिवर,
आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिन छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगारम्भ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को अवलंबन युक्त सबीज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है, वे महाभाग, वे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुनि, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। क्षराक्षर में कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें बता सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत से प्रधान को श्री वत् रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सांग धनुष से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंच रूपा वैजंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संगात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मैत्री, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषि केशव के आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया में रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अव्यव्य रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित हैं। कला काष्ठा निमेश दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यव श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक भुवरलोक और स्वर्गलोक तथा मह जन तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा संपूर्ण समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋग यजु साम और अथर्ववेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्म शास्त्र प्राण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाक कल्प सूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया,
इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुनि, देव ऋषि गंधर्व पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि वरदायक हो जाते हैं। इसके साथ में आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।